हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स्ड कैसे टाइप कर सकते हो। कहने का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है जब लेटर आप टाइप करते रहते हो तो उसमें हिंदी और इंग्लिश फॉन्ट मिक्स्ड होते हैं और बार बार आपको फॉन्ट चेंज करने पड़ते हैं, यानी कि बार बार आपको माउस पकड़ने पड़ते हैं और बार बार आपको फॉन्ट चेंज करने पड़ते हैं हिंदी और इंग्लिश टाइप करने में। बट आज जो मैं मेथड बताने वाला हूँ उसकी सहायता से आप बहुत ही आसानी से विदाउट माउस पकड़े, यानी कि ओनली फॉर कीबोर्ड की सहायता से, शॉर्टकट की सहायता से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स्ड टाइप कर सकते हो, और वो भी बहुत ही आसानी से, जिससे कि आपका समय भी बचेगा और आप बहुत फास्ट टाइप भी कर पाओगे। तो आज जो मैं मेथड बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होने वाला है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप वर्क करते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स्ड करके वर्क करते हो, तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होने वाला है आज का ये वीडियो। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप देख पाओ वीडियो सबसे पहले। ओके, तो जैसा कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्स्ड टाइप करना चाहते हो विदाउट माउस पकड़े हुए, यानी कि शॉर्टकट की सहायता से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्स्ड टाइप करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने वाले। तो उसके लिए यहाँ पे वर्ड एंड देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और यहाँ पे हम टाइप करते हैं, जैसे कि अगर हमें किसी तरह का लेटर टाइप करना है या फिर कुछ भी टाइप करना होता है तो उसके लिए बार बार आपको फॉन्ट चेंज करने पड़ते हैं। जैसे कि मान लेता हूँ यहाँ पे मैं हिंदी में कुछ भी टाइप करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं हिंदी फॉन्ट चूज़ करता हूँ और यहाँ पर हम टाइप करते हैं आज हम बात करने वाले हैं, और फिर यहाँ पे टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे फिर इंग्लिश फॉन्ट चूज़ करना है, और फिर यहाँ पे टेक्नोलॉजी, और फिर यहाँ से आपको हिंदी चूज़ करना है। के बारे में तो इस तरह से आपको टाइप करना होता है, यानी कि बार बार आपको माउस पकड़ने की ज़रूरत पड़ती है। बट आप शॉर्टकट की सहायता से भी आप चाहो तो डायरेक्ट टाइप कर सकते हो, काफ़ी फास्ट टाइप कर सकते हो, यानी कि आपको माउस बार बार पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए आपको कुछ सेटिंग्स करने पड़ते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या सेटिंग हमें करने पड़ते हैं ताकि हम बहुत ही आसानी से बहुत ही फास्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्स टाइप कर सकें। तो उसके लिए यहाँ से इसे हम डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे वर्ड ऑप्शंस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है पॉपुलर में और यहाँ पे आपको चूज़ करना है शो और डेवलपर टैब इन द रेबिन, और उसके बाद यहाँ पे टिक मार्क का साइन देना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो चुका है, इस पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो पे आपको क्लिक कर देना है। रिकॉर्ड माइक्रो पे आपको क्लिक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे कीबोर्ड ऑप्शंस को चूज़ कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो असाइन माइक्रो टू, और यहाँ पे कीबोर्ड ऑप्शन को चूज़ कर लेना है, और यहाँ पे पेस्ट न्यू शॉर्टकट की बनाना है। आपको कोई भी शॉर्टकट की अपने अनुसार से बना सकते हो, अपने इच्छा अनुसार यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट की बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे शॉर्टकट की बनाता हूँ अल्ट के साथ नम की का जो जीरो बटन यहाँ पे है, मैं नम की का जीरो बटन यहाँ पे प्रेस करता हूँ और उसके बाद यहाँ से असाइन कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ से हम क्लोज करते हैं, और उसके बाद फिर से यहाँ पे हम जाते हैं होम में और यहाँ पे हम चूज़ करते हैं 16, और यहाँ से आप हिंदी फॉन्ट चूज़ कर सकते हो अपने अनुसार से, जो भी फॉन्ट आपको चूज़ करना है वो फॉन्ट यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे 16 जो कि नॉर्मली हम 16 नंबर पे ही टाइप करते हैं, यानी कि जो साइज़ होता है 16 साइज़ पे ही नॉर्मली हम ज़्यादातर लेटर टाइप करते हैं, तो मैं 16 ही रहने देने वाला हूँ। और उसके बाद फिर से यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन पे मैं जाऊँगा, और उसके बाद यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग पे मैं क्लिक कर दूँगा, तो आपका जो माइक्रो है वो सेव हो चुका है। आप देखोगे यहाँ पर माइक्रो जो आपका है वो सेव हो चुका है, ऐड हो चुका है। उसी तरह से आपको इंग्लिश के लिए भी शॉर्टकट की बनाना है, यानी कि माइक्रोज को इंग्लिश के लिए भी आपको शॉर्टकट की बनाना है। तो उसके लिए फिर से वही मेथड है, यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद फिर से यहाँ पे जाना है कीबोर्ड पे, और उसी तरह से यहाँ पे कंट्रोल के साथ नम की का जो वन बटन है उसे यहाँ से प्रेस कर देना है, और यहाँ से असाइन करना है आपको, और यहाँ से क्लोज कर देना है, और उसी तरह से यहाँ से आपको होम बटन में जाना है, और यहाँ से एरियल, और यहाँ पर मैं 12 जो कि नॉर्मली हम 12 नंबर पे ही, यानी कि 12 जो फॉन्ट का लेटर है उसी पे हम नॉर्मली लेटर टाइप करते हैं इंग्लिश में। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 12 यहाँ पे चूज़ कर लेना है
यहाँ पे जो भी फॉन्ट का साइज है, नॉर्मली इंग्लिश के लिए 12 ही चूज़ करके रखिए, और हिंदी के लिए यहाँ पे आप चाहो तो 16 चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश के लिए यहाँ पे 12 चूज़ करने वाला हूँ। और उसी तरह से फिर से हमें जाना है यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में, और यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका जो मैक्रो वो सेव हो चुका है, और शॉर्टकट की हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। तो उसी तरह से अब आगे से आपको टाइप करना होगा तो आपको माउस पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि बार बार यहाँ से फॉन्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार यहाँ से फॉन्ट साइज और चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पे चेंज करते हैं। उसी तरह से अगर आप चाहते हो तो कलर वगैरह भी एक साथ मैक्रो में और सेव कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो मैंने जो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों का मैक्रो और यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है, शॉर्टकट की सेव करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम टाइप करके देखते हैं कि कैसे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को टाइप करते हैं विदाउट माउस पकड़े हुए। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फिर से, यहाँ पे हम टाइप करने वाले हैं कंट्रोल 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट से कृतिदेव 011 यहाँ पे आ चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं, और ये फिर से कंट्रोल के साथ 1 बटन प्रेस करना है ताकि आपका इंग्लिश आ जाए। और यहाँ पे और टेक्नोलॉजी और फिर से के बारे में। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को टाइप कर सकते हो बहुत ही आसानी से, और आपको बार बार माउस पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप कि आप बहुत ही आसानी से समझे होंगे कि कैसे आप कोई भी लेटर या फिर वर्ड में कोई भी और कुछ भी टाइप करते हो तो कैसे हिंदी और इंग्लिश मिक्स्ड कैसे टाइप कर सकते हो विदाउट माउस पकड़े हुए, यानी कि बहुत ही फास्ट सिर्फ कीबोर्ड की सहायता से ही आसानी से आप टाइप कर सकते हो। क्योंकि बार बार हम देखते हैं कि आपको बार बार माउस पकड़ने की ज़रूरत पड़ती है कभी भी टाइप करने के लिए, हिंदी और इंग्लिश मिक्स टाइप करने के लिए। तो आई होप कि आप बहुत ही आसानी से समझे होंगे। तो इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो लेकर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।